लार्ज बैंक्स हमें डेफिनेटली बहुत पसंद आते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आ गए हैं, बहुत अच्छे नंबर्स थे। हमें हमारा प्रिफर्ड पिक है आईसीआईसीआई। एसबीआई के नतीजे आएंगे, लेकिन एसबीआई भी काफ़ी बेटर नतीजे देने के एक्सपेक्टेशन है, और यहाँ से जो ग्रोथ है, चाहे वह आप लेंडिंग का जो बात करें या डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें, वो दोनों में मार्केट लीडर है एसबीआई। तो ये दो प्रिफर्ड पिक्स है हमारे बैंकिंग क्षेत्र में, एसबीआई एंड आईसीआईसीआई बैंक। जी, तो यहाँ पे एसबीआई का हम चार्ट देख रहे हैं, इसमें भी एक नई चाल बनी हुई दिख रही है पहले से ही, बल्कि कहें कि 24 तारीख को एक बहुत बड़ी हरी बार बना करके, ग्रीन बार बना करके इसने इस अपने नए लेग की शुरुआत की है, नए चाल की। तो 830 पर इस समय खड़ा है, क्या देख रहे हैं आगे? जी बिल्कुल, ये मोमेंटम देखिए न्यू हाई पे है। यहाँ पे जनरली अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट को पूछेंगे तो बोलेंगे ये ब्लूज का सिनेरियो है। तो यहाँ से तो हमें अनदर इजीली 20% अपसाइड दिखता है। तो आप रफली एक नंबर अगर आप बोले तो 1000 रुपीज का टारगेट लेके एसबीआई में चल सकते हैं। जी, तो 1000 रुपए का लक्ष्य यहाँ पे एसबीआई में बनता हुआ दिख रहा है। और आईसीआईसीआई, जैसा आपने सही जिक्र किया कि रिजल्ट आए और रिजल्ट को बाजार ने सराहा है, उसके बाद हमें इसमें एक चाल बनती हुई भी दिख रही है। तो ये भी अब 1150 पार कर चुका है और रिजल्ट के बाद इसमें एक नया ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, जो टेक्निकल भाषा में हम कहें। तो यहाँ पे अगला लक्ष्य आपकी नजर में, क्योंकि आप तो टेक्निकल थोड़ा देखेंगे, आप फंडामेंटल ज्यादा देखेंगे। जी बिल्कुल, मैं फंडामेंटल ज़्यादा देखता हूँ, टेक्निकल तो मतलब बस वो थोड़ा सपोर्ट के लिए देखना होता है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो जो हमारे रिजल्ट्स के पहले के जो टारगेट्स थे आईसीआईसीआई बैंक में, वो 1250 के थे, और कंपनी का नतीजा आए और हमने अभी उसको, मुझे लगता है कि अब बढ़ाकर हमने उसको और 1350 के आसपास का टारगेट लक्ष्य आईसीआईसीआई बैंक में हम देखते हैं। जी, तो यहाँ आईसीआईसीआई बैंक में 1350 रुपए का लक्ष्य बन सकता है। और टाइम होराइजन क्या रहेगा इसका? क्या ये सब चीजें, बाजार जिस तेजी से भागना शुरू कर रहा है, क्या चुनाव से पहले ही हमें, मतलब 4 जून से पहले ही हमें ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा क्या? देखिए राजीव जी, फंडामेंटली आप लोग 12 महीने के लक्ष्य देते हैं। जी, तो हमारा जो लक्ष्य होता है फंडामेंटली, हम एक साल का जो एस्टिमेट करते हैं और उसके बेसिस पे हमारा टारगेट रहता है। तो ये आप समझ के चलिए कि ये हमारा 1 ईयर का टारगेट है। मार्केट में मोमेंटम है, स्ट्रांग मोमेंटम है, इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद जो रैली आएगी उसमें डेफिनेटली अगर अचीव कर लेता है तो अच्छी बात है। बट जनरली बाय फार आप इसको एक साल का टारगेट मानकर ही चलिए।